वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं समा चावल की खिचड़ी। इन्हें बनाने के लिए मैंने लिए है 2 बॉईल किए हुए आलू, 2 टमाटर, 3 मीडियम साइज़ की हरी मिर्च और 1 नींबू। ये देखिए, मैंने सभी सब्जियों को बारीक काट लिया है। अब मैंने लिया है 1 कटोरी समा चावल। ये देखिए, मैंने बिल्कुल बारीक वाले समा लिए हैं। इन्हें हम एक बर्तन में डालेंगे। अब हम इन्हें 2 से 3 बार साफ़ पानी से अच्छे से धो लेंगे, ताकि इनके ऊपर जो डस्ट वगैरह लगी हुई थी वो निकल जाए। अब इसमें पानी डालकर हम इसे थोड़ी देर भीगने के लिए रख देंगे। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। हम इसमें जीरा डालेंगे, ये देखिए घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सभी सब्जियां डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे हरी मिर्च, इन्हें हम थोड़ा सा चलाते हुए पकाएंगे। हम इसमें डालेंगे टमाटर, भी हम थोड़ी देर चलाते हुए पकाएंगे। देखिए, हमारे टमाटर और हरी मिर्च अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए आलू। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सेंधा नमक। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे। अब हम इसमें समा के चावल डालेंगे। याद रखिए, समा के चावल हमें हमेशा पानी डालने के बाद ही डालना है, क्योंकि अगर हम पानी डालने से पहले इसमें चावल डाल देंगे तो वो पैंदे में चिपक जाएंगे। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी और डालेंगे। अब इसे चलाते हुए कम से कम 5 मिनट तक हम पकाएंगे। ये देखिए, हमारी समा चावल की व्रत स्पेशल खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है।